बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर निशाना, कहा भारत में संस्कृत का नाम लेते ही खतरे में पड़ जाती है धर्मनिरपेक्षता। यहां पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेक्युलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है, उनको संस्कृत सुनने में भी सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। बर्लिन में प्रवासी भारतीयों के बीच बोले मोदी का, भारत को अव्वल बनाने के लिए हमारे साथ मिलकर सेतु का काम करें। मोदी ने आईटी क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की धाक का किया जिक्र, लेकिन पूछा सवाल, गूगल हमारे यहां क्यों नहीं पैदा हुआ? लेकिन गूगल का जन्म भारत की गोद में नहीं होता है, किसी और की गोद में होता है। और तब सवाल उठता कि गूगल मेरे यहां क्यों पैदा नहीं हुआ। मोदी ने अपने भाषण में कहा भारत में विकास के लिए तीन चीजों को देखना होगा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर ध्यान जरूरी। एग्रीकल्चर सेक्टर, वन थर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वन थर्ड सर्विस सेक्टर, तीनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना। हैनोवर से बर्लिन पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, हाथों में तिरंगा और सुस्वागतम का पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। आज बर्लिन में प्रधानमंत्री वहां के रेलवे स्टेशन का करेंगे दौरा, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर हालात का लेंगे जायजा। आज जर्मनी का दौरा खत्म कर कनाडा के लिए रवाना होंगे पीएम, द्विपक्षीय बातचीत के लिए 42 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कनाडा दौरा। बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन की पीएम से मुलाकात, नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग। सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते सूर्या बोस के मुताबिक पीएम मोदी ने पूरी गंभीरता से सुनी हमारी बात। मोदी से मुलाकात के बाद काफी संतुष्ट दिखे सूर्या बोस का, बीजेपी सरकार ये काम कर सकती है। आज गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के बागी गुट ने बुलाई बैठक, अनंत कुमार का दावा, देश भर से जुटेंगे कार्यकर्ता। लगभग 2500 से 3000 के बीच लोग आ रहे हैं और अब उसका सारा इंतजाम हमको फिर से संभालना पड़ रहा है। स्वराज संवाद की बैठक से पहले योगेंद्र यादव का केजरीवाल पर निशाना, का बैठक में फोन और पेन लाने की भी अनुमति। सारा का सारा संवाद मीडिया के लिए खुला रहेगा, आप शुरू से आ सकते हैं, मीडिया भी अलाउड है, फोन भी अलाउड है, पेन भी अलाउड है, सब चीजें अलाउड हैं, सब कुछ पारदर्शी होगा, आप सबके सामने होगा। केजरीवाल गुट ने बैठक में जाने वाले बागियों को किया खबरदार, बैठक में शामिल होने पर कार्रवाई के दिए संकेत। योग गुरु बाबा रामदेव पर हरियाणा सरकार मेहरबान, योग शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर राज्य में दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। योगा और आयुर्वेदा की राष्ट्रीय कैपिटल बन जाए, इसके लिए हमने बाबा रामदेव से प्रार्थना की कि वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हरियाणा के और हमारा इसमें मार्गदर्शन करें, और उन्होंने उसको स्वीकार किया। आप हरियाणा में रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, दिग्विजय सिंह ने रामदेव पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। हरियाणा सरकार को और कोई नहीं मिला, कोई इससे बड़ा ठग नहीं मिला उनको जो उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब ठग एक बार जो ठग होता है तो हमेशा के लिए ठग होता है। यूपी के हाथरस में फसल बर्बाद होने से दुखी किसान ने खुदकुशी की, घर में फांसी लगाकर दी जान। ग्रामीणों के मुताबिक राजकुमार ने पट्टे पर जमीन लेकर की थी गेहूं की खेती, बेमौसम बारिश में पूरी फसल तबाह। यूपी के मथुरा में भी फसल बर्बाद होने से परेशान किसान ने की खुदकुशी, कम मुआवजा मिलने से दुखी होकर दी जान। यूपी के मैनपुरी में किसानों की मौत का सिलसिला जारी, 3 दिन के भीतर 7 किसानों की मौत, मरने वालों की तादाद 27 पहुंची। फसल बर्बाद होने पर एक किसान ने जहर खाकर दी जान, 6 किसानों की सदमे से मौत।
यूपी के हमीरपुर में बीमा कंपनियों के खिलाफ किसानों का गुस्सा, किश्त भरने के बाद भी नहीं मिली बीमे की राशि। मथुरा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन, यमुना एक्सप्रेस वे पर लगाया जाम। मुजफ्फरनगर के किसानों में अखिलेश सरकार के खिलाफ गुस्सा, पंचायत बुलाकर सरकारी मुआवजे का किया बहिष्कार। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लगातार तीसरे दिन बारिश से जनजीवन बेहाल, आंधी में बिजली के खंभे गिरने से कई घंटों तक बत्ती गुल। बारिश और ओले गिरने से चार जिलों में फसलों को भारी बर्बादी से किसानों पर संकट, सरकार से मदद की लगाई गुहार। फैजाबाद में किसानों को 75 और 100 रुपए के चेक बांटने वाले लेखपाल को सरकार ने किया सस्पेंड। नए आदेश के मुताबिक 750 रुपए से कम कीमत के तमाम चेक वापस लेगा जिला प्रशासन। बुंदेलखंड में भी मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुआ मजाक, फसल बर्बादी के बदले 600 से 700 रुपए मिले। दिल्ली में दो हफ्ते तक जब्त नहीं होगी 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां, एनजीटी से मिली राहत के बाद ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल 1 मई तक टली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कम से कम 6 महीने की मिलनी चाहिए थी मोहलत। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय किया है और सुप्रीम कोर्ट में हम ये कहने वाले हैं कि हमें भी स्पिरिट मान्य है, प्रदूषण कम होना चाहिए और इसके बारे में एक निश्चित नीति तय करने के लिए आप हमको 6 महीने अवधि दो। गडकरी ने कहा एनजीटी के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। गडकरी ने कहा प्रदूषण पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमें और ज्यादा वक्त चाहिए। बिहार में बीजेपी की दलित वोट बैंक पर नजर, आज अंबेडकर जयंती पर पटना के गांधी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों की होगी मौजूदगी। श्री अमित भाई शाह और श्री राजनाथ सिंह जी कल पटना से बिहार में जो आने वाला चुनाव है उसका वहां श्रीगणेश करेंगे, वहां कल एक रैली एक कार्यक्रम करके उसका शंखनाद करेंगे। अंबेडकर जयंती पर आज दलितों के लिए खिचड़ी भोज का आयोजन करेगी बीजेपी, यूपी में पार्टी नेता दलितों के घर जाकर खाएंगे खिचड़ी। बीजेपी ने कार्यक्रम को सामाजिक समरसता का नाम दिया, सभी जिला अध्यक्षों को दलितों के घर जाकर भोजन करने का फरमान। झारखंड के मंत्रियों की मौज, मंत्रियों के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च कर खरीदी गई 12 फॉर्च्यूनर गाड़ियां। 1.5 साल पहले हेमंत सरकार ने खरीदी थी इंडीवर गाड़ियां, मंत्रियों की दलील इंडीवर में सफर करने में परेशानी। गाड़ियां सही स्थिति में नहीं है तो मंत्रियों को सरकार गाड़ी दे रही है और महंगी गाड़ियों का स्तर तो है, कोई भी चलेगा जिसको टूर करना होगा घूमने के लिए तो ऐसी गाड़ी तो चाहिए जिसमें वो दौरा आराम से कर सके। मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने को विपक्ष ने बताया पैसों की बर्बादी, बीजेपी सरकार पर बोला हमला। इन चीजों से बचना चाहिए और सरकार का यह स्वभाव प्रदर्शित करता है कि सरकार फिजूल खर्ची में ही विश्वास करती है। राहुल को लेकर पंजाब कांग्रेस में जारी बयानबाजी से पार्टी नेतृत्व परेशान, प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा पार्टी के भीतर अपनी बात रखे नेता। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा बदलाव प्रकृति का नियम होता है, बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, 2 साल के भीतर एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होंगे फ्रांस से खरीदे जा रहे राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री ने कहा राफेल लड़ाकू विमान के सौदों को लेकर फ्रांस के साथ हुई डील बड़ा फैसला। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बयान, पूर्वोत्तर में सीमा से सटे इलाकों में रेल नेटवर्क का विस्तार करना प्राथमिकता में सबसे ऊपर। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुनर्वास की मांग को लेकर किसानों का जल सत्याग्रह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी पानी में उतरे। कमर तक गहरे पानी में उतरकर आंदोलन कर रहे इलाके के किसान, कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बोला हमला।
सरकार और शिवराज सरकार से सीधा सीधा कहना है कि हमारे किसान बेघर हो चुके हैं, जमीनें डूब चुकी हैं, कोई मुआवजा कोई राहत न तो दिल्ली की सरकार से न ही मध्य प्रदेश की सरकार से किसानों को मिली। खजुराहो में जेट एयरवेज के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, इमरजेंसी गेट से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। रनवे पर उतरते समय विमान में आई तकनीकी खराबी, विमान में सवार सभी 50 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली से सटे नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या में नया मोड़, घरवालों ने कहा अंकित के दोस्त ने एक दिन पहले उसे नोएडा बुलाया था। हथियारों की तलाश में नोएडा पुलिस ने बीती रात कई जगह पर दबिश दी, पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का किया दावा। सोमवार देर शाम सेक्टर 71 के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर बदमाशों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, गोली मारकर मौके से फरार हुए थे बदमाश। बदमाशों ने अंकित की फॉर्च्यूनर कार को ओवरटेक करके रोका था, गाड़ी रोककर की अंधाधुंध फायरिंग। टीसीएस में काम करने वाले अंकित चौहान की 3 महीने पहले हुई थी शादी, इंजीनियर के घर छाया मातम। पटना में बेकाबू रफ्तार में 2 इंस्पेक्टरों के लिए जान, मरने वालों में एक सीएम के विशेष सुरक्षा दस्ते में शामिल। ड्यूटी खत्म कर बाइक पर जा रहे थे इंस्पेक्टर तारिक बिन अहमद को टैंकर ने कुचला, अनीसाबाद के पास हुआ हादसा। पटना में एक और सड़क हादसे, महिला इंस्पेक्टर की मौत, भतीजे के साथ बाइक पर जा रही महिला इंस्पेक्टर को ट्रक ने कुचला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पर लगा मारपीट का आरोप, गाजीपुर थाने में दर्ज हुई शिकायत। आप विधायक पर अपने समर्थकों के साथ मयूर विहार में रहने वाले एक शख्स की पिटाई का लगा आरोप, विधायक ने खुद को बताया बेकसूर। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहे नक्सली हमले, दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 5 जवान शहीद, 6 घायल। नक्सलियों ने किया एंटी लैंड माइन ब्लास्ट, धमाके से उड़ी गाड़ी काफी दूर जाकर गिरी। कांकेर में बीएसएफ कैंप पर हुए नक्सली हमले में 1 जवान शहीद, कई जवान घायल, अस्पताल में भर्ती। बीएसएफ ने नक्सलियों पर की जवाबी कार्रवाई, 1 नक्सली ढेर, नक्सलियों के कब्जे से 3 जिंदा बम बरामद। लगातार हो रहे नक्सली हमले पर अजीत जोगी ने रमन सरकार को घेरा, बोले नक्सलियों के खिलाफ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत का खुला खाता, बेंगलोर को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। बेंगलोर ने हैदराबाद के सामने रखा था 167 का लक्ष्य, 2 ओवर 4 गेंद रहते हैदराबाद ने जीता मैच। हैदराबाद की जीत में हीरो रहे कप्तान डेविड वार्नर, 27 गेंदों पर तूफानी 57 रन बनाए। शिखर धवन 50 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे, केएल राहुल भी 44 रन बनाकर नॉट आउट। बेंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने बनाया सबसे ज्यादा 46 रन, कप्तान विराट कोहली ने खेली 41 रनों की पारी। आज अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस में भिड़ंत, रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। लगातार 2 मैचों में 2 जीत से रॉयल्स का हौसला बुलंद, मुंबई को टूर्नामेंट में पहली जीत का इंतजार। अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर वतन लौटे खिलाड़ी, सभी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट।